हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरके किड ऑफिशियल। तो आज आम ए भिडे आलोचना करवा प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर जो स्टूडेंट्स मैंने हिस्ट्री अनर सब्जेक्ट रखिंटे हिस्ट्री अनर सब्जेक्ट नहीं तो से फर्स्ट यूनिट रे जिते भी सब दुई मार्किया विशिष्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही अच्छे आज ये भिड मध्यम खूब सहज सरल और ओडिया भाषा आंभे मैंने आलोचना करवा। तो भिडटी स्टार्ट करवा आगर एठारे मुझे तुमको जनइबा को चाहे जदि चैनल को नुआ हो आसी नुआ हो देखुं एपर्तंत सब्सक्राइब करना तेज आग को यह शैक्षिक भिड देखापी आमर ही यूट्यूब चैनल आरकी किड ऑफिशियल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे एवं सब्सक्राइब करने सहित ये भिडटी निज सांगसाथी को निश्चित शेयर करदे। तो चलतु भिडटी बेसी किसी समय डेरी नगरी फटाफट स्टार्ट करवा। तो यठार तुमने देखी पारु दुई नंबर संबलित प्रश्न उत्तर अर्थात गोटे क्वेश्चन को तुमको मार्क रही है दुई मार्क लेखाए। तो तुमको प्रथम क्वेश्चन टा रही अच्छे पतनतत्व कहले कौन बुझ क्यों पटलांग समय पतनतत्व के एक स्वतंत्र विभाग रूपे प्राचीन इतिहास को पृथक करागला। तो यार एनसर तुमने लिख भूखदन द्वारा मनुष्य प्राचीन कालर मुद्रा लिपि और भग्नावशेष को वैज्ञानिक पद्धति आविष्कार और अनुध्यान करने कार्य को पतनतत्व कहा जाए। बटलाल डॉट क्वेश्चन को समय रे पतनतत्व को एक स्वतंत्र विभाग रूपे प्राचीन इतिहास को पृथक करागला। तापे तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे छापा मुद्रा क्यों युग में प्रचलित होता से कहार छापा देखा मिले। तो यार एनसर तुम्हें लिख ना मध्य युगरे छापा मुद्रा प्रचलित होता से जीवजंतु पर्वत वृक्ष आदि छापा देखा मिली थाए। तो भिडटी आग को नेबा आगर एठार मुझे तुमको जनवाक चाहे जदि तुम्हें दुई मार्किया क्वेश्चन ठीक से जब प्राक्ट कर तेज तुमको एक मार्क क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन शून्यस्थान हो कि एक पदरे उत्तर दि से क्वेश्चन मान तुमको कम्प्लीट हो बुझीपना। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे पाणिनि और पतंजलि लिखि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ दुईटी नाम लेख एथिरे कौन उल्लेख कर। तो यार एनसर टा तुमने लिख ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी में पाणिनि अष्टादी और ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी में पतंजलि महाभाष्य रचना करते ग्रंथ द्वय से जुगर राज्य शासन आलोकपात कर। तो तुमको सर्ट क्वेश्चन आसी थे बुझीपना कि अष्टादी किए रचना करते नतवा महावास्य किए रचना करते तुमको बारंबार रिपीटेड करुचे जदि तुमने दुई मार्किया क्वेश्चन ठीक से प्राक्ट कर नहीं थे तुमको सर्ट क्वेश्चन जमी भी आसू तुमने सहजे एक्जामेसन करटेड कर बुझीपना। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे मालविकाग्नी मित्रम लेखक किए क्यों श्रृंग राजा विषय से ग्रंथ में वर्णना कर। तो यार आंसर टा तुमने लिख मालविकाग्नी मित्रम लेखक कवि और नाट्यकार कालिदास अटंटी श्रृंगराजा पुष्यमित्र श्रृंग विषय रे से ग्रंथ में वर्णना कर। तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे अशोक क्यों चारोटी लिपि व्यवहार करते से गुड़िक कौन कौन। तो यार आंसर टा तुमने लिख अशोक चारिगोटी लिपि व्यवहार करते से गुड़िक है अफगानिस्तान शिलालेखर आर्माइक और ग्रीक लिपि व्यवहार होता बेले पाकिस्तान शिलालेख उत्कीर्ण होता खरस्ती लिपि एतद व्यतीत साम्राज्य अन्य स्थान मान ब्राह्मी लिपि व्यवहार होता जदि अन्य एक रूप से देखा जदि सहज हिसाब से देखा ये क्वेश्चन आंसर केमी हे जान अशोक जो चारोटी लिपि व्यवहार करते से चारोटी लिपि है अफगानिस्तान शिलालेखर आर्माइक लिपि तापर ग्रीक लिपि तापर हूँ खरस्ती लिपि एपर हूँ ब्राह्मी लिपि है ये चारोटी लिपि। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे किए केवे अशोक अभिलेखर अक्षर गुड़िक पाठ कर सफलता लाभ करते। तो यार आंसर टा तुमने लिख पाश्चात्य विद्वान जेम्स प्रिंसेप अशोक अभिलेखर अक्षर गुड़िक पाठ कर सफलता हासिल करते सी 1817 मसीह यहाँ पाठ कर सफल होते देखु यहाँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बुझीपु ये तुमको सर्ट क्वेश्चन आसीपे कि तुमको सर्ट क्वेश्चन एमती आसीपे ना किए अशोक अभिलेख अक्षर को पाठधार कर सफलता लाभ कर सक्षम होते यहाँ तुमको शून्य स्थान पूरण कर सर्ट क्वेश्चन आसीपे। तो यार मुझे जिते भी सब क्वेश्चन डिस्कसन करुची ना सब गोटे गोटे इंपोर्टेंट तथा सिलेक्शन क्वेश्चन अटे जोटा कि तुमको सेमिस्टर एक्जामिनेशन आसवर बहुत संभावना रही अच्छे मो कथा तुमने समस्त बुझीपना। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे मेहरौली लोहस्तंभ और आल्लाहाबाद स्तंभ लेखर कौन उल्लेख अच्छे
क्यों स्तंभलेख नथिले विख्यात सम्राट समुद्रगुप्त भारत इतिहास रे अजणा होई रही थांते? तो यार आंसर तो मैंने लिखिब आल्हाबाद स्तंभलेख रे समुद्रगुप्त कीर्तिकलाप उल्लेख करा जाउथवा बेले एई मेहरुली लोहिय स्तंभ रे राजा विक्रमादित्य को बंग शासन को परास्त करबा विषय उल्लेख अछि। आल्हाबाद स्तंभलेख नथिले विख्यात सम्राट समुद्रगुप्त भारत इतिहास रे अजणा होई रही थांते। केमिति केमिति सब क्वेश्चन मैंने तुमको एक्जामिनेसन आसी थाए आसबार संभावना रही अच्छे तुमने देखिपना। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे अभिलेख गुड़िक के प्रकार और कौन कौन प्रशंसा व्यंजक अभिलेख में क्यों मान गुण कीर्तन कराए क्यों मान गुणगान कराए? तो यार आंसर टा तुमने लिख अभिलेख गुड़िक विभिन्न प्रकार थी जो प्रशंसा व्यंजक अभिलेख हुए तो आज्ञापत्र ना दानपत्र। प्रशंसा व्यंजक अभिलेख में राजा मान गुण कीर्तन कराए गुणगान कराए मुझ जहाँ भी कहूँ तुमको बुझे हो कि ना कमेंट करके निश्चित जन बुझीपना। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे हर्ष शासन काल में क्यों परिव्राजक भारत मटी पदार्पण करते से के क्यों बोधपीठ को भ्रमण करते द्वारा रचित ग्रंथर नाम कौन? तो यार आंसर तुमने लिख हर्ष शासन काल में चीन परिव्राजक हुएनसाम भारत मटी पदार्पण करते भारत को प्रथम से आसी से 630-644 ख्रीट अपर्यंत थानेश्वर अयोध्या प्रयाग कन्नौज महाराष्ट्र कन्न सुवर्ण कामरूप श्रावस्ती पुंडवर्धन आदि स्थान में बौद्धपीठ गुड़ को भ्रमण करते से भ्रमण वृत्तांत को सी यूकी नामक ग्रंथ में स्थान दे। तो यठार तुमको सर्ट क्वेश्चन आसपा है मुझे तुमको बारंबार रिपीटेड करुचे कि ना हर्षों शासन काल में क्यों परिव्राजक भारत परिभ्रमण से आसी। तो यार आंसर तुमने कौन लिख ना हुएनसाम एवं से क्यों पुस्तक रचना करते सीयू की। तो यठार मुझे जिते भी सब कहे सब इम्पोर्टेन्ट है तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे फाइयान क्यों शताब्दी में भारत आसी सेठार केते वर्ष काल अवस्थान करते रचित पुस्तक नाम कौन? तो यार आंसर तुमने लिख पंचम शताब्दी में फाइयान भारत आसी सेठार 15 वर्ष काल अवस्थान करते रही रचित पुस्तक नाम हो फोकी यूकी। यहाँ जहाँ भी कहे तुमने मन ध्यान देकि शुण है यहाँ तुमको एग्जामिनेशन निश्चित आस डेफिनेटली कहूँ है गोटे अलरेडी मुझे भिड कर सारी जो से भिड़ देखिना हो तेज आप प्ले लिस्ट को जाकि देखने कि भिड़ आई बटन कि डिस्क्रिप्शन से भिड़ लिंकटा देदेव जाकि देखने वो है किए क्यों पुस्तक रचना करते किए क्यों ग्रंथ रचना करते जमीक यहाँ देख फाइजान क्यों पुस्तक रचना करते फोकी ओके तुमको क्वेश्चन आसब ना फाइयान क्यों पुस्तक रचना करते फोकियो की पुस्तक किए रचना करते बुझीपना। एठार जिते भी सब इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन मैंने बुझीपार तुम्हें मैंने तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे जियारुद्दीन बोरानी रचित पुस्तक नाम कौन से क्यों क्यों समय भारत इतिहास लिपिबद्ध हो? तो यार आंसर तुमने लिख जियाउद्दीन बोरानी रचित नाम तारिक फिरोज शाह अटे और से 1259-1353 ख्रीटाब्द पर्यटन भारत इतिहास लिपिबद्ध रही है। देख तुमको यार सर्ट क्वेश्चन आसपे ना जियाउद्दीन बोरानी रचित पुस्तक नाम कौन? तो यार आंसर तुमने लिख तारिक फिरोज शाह। देख मुझे जिते भी सब क्वेश्चन डिस्कसन करुच दुई मार्किया से दुई मार्किया एक मार्किया क्वेश्चन रही अच्छे गोटे जिनस लक्ष्य कर पार्छ नाम कथा। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे ग्वालियर प्रशस्ति ओहल प्रशस्ति क्या संपर्क में उल्लेख कर खारवेल राजत्व सम्बन्ध में क्यों अभिलेख में वर्णना कर? तो यार आंसर टा तुमने लिख ग्वालियर प्रशस्ति प्रतिहार शासन भोजराज सुशासन संपर्क में उल्लेख कर बेले ओहल प्रशस्ति हर्ष चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशी द्वारा किपर पराजित होते से ही विषय उल्लेख कर खारवेल राजत्व सम्बन्ध में हाथीगुंपा अभिलेख रु वर्णना कर। तो यठार तुमको सर्ट क्वेश्चन आसपा है देख ओहल प्रशस्ति क्यों राजा गुणगान कै? तो यार आंसर तुम लिख ओहल प्रशस्ति कौन द्वितीय पुलकेशी राजा है खारवेल राजत्व समय क्यों अभिलेख में वर्णना करोटा कि हाथीगुंपा शिलालेख अभिलेख है प्रति दुई मार्किया क्वेश्चन रे एक मार्किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन रही अच्छे बुझीपना। तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे बोघाज कोई शिलालेख क्यों आविष्कार करेटे आर्य मान क्यों देवता मान कथा उल्लेख कर? तो यार आंसर टा तुमने लिख ना ये बोघाज कोई शिलालेख एशिया माइनर अंचल आविष्कार करर्य मान इंद्र वरुण मित्र आदि देवता मान कथा उल्लेख कर यहीटा बेस इंपोर्टेन्ट नुहला। तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे
କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଓ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଲୋରା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିହାରର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ପାୱାପୁରୀ ଏବଂ ରାଜଗିରି, ତେଣୁ କାଥିୱାଡ଼ାର ଗିର୍ନାର ଏବଂ ପାଲିତନ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତ ସ୍ଥିତ ଦିଲୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣ ନାମ ଲେଖ, ପୁରାଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ଟା ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣ। କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣର ନାମ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି, ବଂଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହା କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ପୁଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା, କୋଟିଲେଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଦେଖ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା କୋଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା କୋଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ ବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ ନାଇଁ ତୟାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୋଟିଲ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏ କୋଟିଲ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପସନ୍ଟି ଆସିପାରେ, ତୁମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କୋଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଲେ ବି ସେହି ହେବ, ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ବି ସେହି ହେବ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ନା, ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ଏଇଟା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଦଣ୍ଡନୀତି, ସମାଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିପିଟେଡ୍ କରୁଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟ ବା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କି ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟି 15 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଅର୍ଥନୀତି, ଦଣ୍ଡନୀତି, ସମାଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋ କଥା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଦେଖ ମେଗାଥିନେସ୍ କିଏ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ, ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି 2 ମାର୍କିଆରେ ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସୁଛି, ଦେଖୁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିବ, ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜଦୂତ ମେଗାଥିନେସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ସେନାପତି ସେଲିୟୁକସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକା ଓ ସେ ପାରଲିପୁତ୍ର ନଗରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ବା ରହୁଥିଲେ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ ନା, ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା, ମେଗାଥିନେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି, ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା, ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ବୋଲି ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଲେଖର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାର ଉଦାହରଣ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆସିପାରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖି ନେଇଥିବ ତୁମେମାନେ ବହି ଅଛି ଯଦି। ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହରିଷଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ସାତବାହନ ଶାସନ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଐହୋଳ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖର ନମୁନା। କେଉଁ କେଉଁଟା ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖର ନମୁନା ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଥିରେ ପୁଣି 1 ମାର୍କିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିପାରିବ ନା, ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଏକ ଉଦାହରଣ, କିମ୍ବା ଏ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଉଦାହରଣ, କିମ୍ବା ଉହଲ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଉଦାହରଣ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନା ଏଇ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ହରିଷଣ ଦେଖ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାର କବି କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ହରିଷଣ ଦେଖ, କେତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ନା ଏଇ ପ୍ରଜା ପ୍ରଶସ୍ତିରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, କେମିତି କେମିତି ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ।
ना सातवाहन शासन गौतमीपुत्र सातकर्णी गुणगान क्यों प्रशस्ति देखा मिले नासिक प्रशस्ति ठीक से पूरी चालुक्य वंशर द्वितीय पुलकेशी कीर्ति क्यों प्रशस्ति देखा मिले ओहल प्रशस्ति तुम्हें देखिपुच ना गोटे दुई मार्किया क्वेश्चन में कितने सब इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन रही अच्छे यहीटा मैंने ही तुमको एक्जामेसन आसी दे बुझीप ना तुम्हें मो कथा तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे स्मारक अभिलेख कौन यार दुईट उदाहरण दि देख मु तुमको अलरेडी कही सारी प्रशंसा व्यंजक अभिलेख माने ना अन्न अभिलेखर मत उदाहरण एवं राजा कौन कौन सब जानवा दरकार बोले तुमको कही पुणी क्वेश्चन आसला देख स्मारक अभिलेख कौन यार दुईट उदाहरण दि यहाँ इंपोर्टेंट सब बुझीपुना ये स्मारक अभिलेख में जो शासक राज्य शासन संपर्कित मोहनीय घटना मान स्थान पाता सम्राट अशोक लुम्बिनी अभिलेख और सम्राट खालबेल हाथीउंपा अभिलेख यार जीवंत उदाहरण ये स्मारक अभिलेख कौन जदि आम सहजरे देखा ना ये स्मारक अभिलेखे जो राजा मैंने थे राजा मान राज्य शासन सम्बन्धे स्मारक अभिलेख में वर्णित करमती उदाहरण आम देखा अशोक लुम्बिनी अभिलेख एवं सम्राट खालबेल हाथीउंपा अभिलेख ए तुमको सर्ट क्वेश्चन पुणी अच्छे देख ना अशोक लुम्बिनी अभिलेख क्यों अभिलेखर एक उदाहरण ठीक से पूरी सम्राट खालबेल हाथीउंपा अभिलेख क्यों अभिलेखर उदाहरण स्मारक अभिलेख है आउ केमी सब क्वेश्चन देखिपुना तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे केवे और क्यों मान द्वारा हड़प्पा संस्कृति आविष्कृत होता सब सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आसूला ठीक से देख 1921 ख्रीटाब्दे सांज मार्शाल और राखाल दास बनार्जी और द्वाराम साहाणी पर प्रतनतात्विक पीत मान प्रचेषारे अनुजाई दुई प्राचीन नगरी हड़प्पा और मोहेंजोदारो भग्नावशेष माटीतलु आविष्कृत होता तो यह तुमको सर्ट क्वेश्चन आसपे ना हड़प्पा सभ्यता किए आविष्कार करते मोहेंजोदारो सभ्यता किए आविष्कार करते कहार नेतृत्व में राखाल दास बनार्जी और द्वाराम साहारी ये हड़प्पा सभ्यता और मोहेंजोदारो सभ्यता आविष्कार करते प्रति दुई मार्किया क्वेश्चन एक मार्किया सर्ट क्वेश्चन रही अच्छे बुझीपुना ये मन ध्यान देकी देख तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे आज्ञापत्र कौन यार उदाहरण दि तो यार आंसर तुमने लिख आज्ञापत्र गुड़िक राजा मान आदेश उत्तीर्ण होता आदेश गुड़िक सब वर्णित रोला हर्षवर्धन वंशखेरा और मधुबन आज्ञापत्र नालंदा ताम्रपत्र दामोदरपुर ताम्रपत्र ओडिशार गंगवंश और सूर्यवंश शासन समय ताम्रपत्र माने आज्ञापत्र उदाहरण तो यार तुमको आउ गोटे सर्ट क्वेश्चन आसपे ना आज्ञापत्र कौन सब वर्णना कराइला ना आज्ञापत्र कौन सब रही ना ये आज्ञापत्र राज्य मान आदेश सब वर्णना कराइला आज्ञापत्र दुईट जो उदाहरण दिए तुमको कहे तुमको क्वेश्चन आसे तेरे तुमने यार आंसर लिख ना आज्ञापत्र दुईट उदाहरण है हर्षवर्धन वंशकेरा और मधुबन हूँ आज्ञापत्र दुईट उदाहरण तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे सारा संसार तथा मनुष्य जीवन गतिविधि और कार्यकलाप को प्रतिनिधित्व करने आरिस्टोटल मत कौन थी तो यार आंसर टा तुमने लिख सारा संसार तथा मनुष्य जीवन गतिविधि और कार्यकलाप को प्रतिनिधित्व करने आरिस्टोटल मतगुड़िक प्रथमटी हूँ आरिस्टोटल मत सारा संसार तथा मनुष्य जीवन गतिविधि और कार्यकलाप को प्रतिनिधित्व करने भिन्न भिन्न तीनो पंथा रही है जोटा कि इतिहास विज्ञान और काल्पनिक साहित्य तापर नेक्स्ट हूँ इतिहास सत्य गुड़ी निरूपण और लिपिबद्ध कैरे निरूपित एवं लिखित सत्य आधार में विज्ञान नीति नियम प्रणयन करुवा बेले काल्पनिक साहित्य कलात्मक शैली में उपलब्ध सत्य को लोक परसी थाए यहाँ ये इंपोर्टेंट नुहला तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन आसला यहाँ इंपोर्टेंट है कलिंग युद्ध केतोटी दुईट फलाफल दर्शाओ यहाँ तुमको लम क्वेश्चन आसी थे नोट करके लिखि कलिंग युद्ध कारण और फलाफल दर्शाओ यहाँ तुमको लम क्वेश्चन आसी थाए परीक्षा है तो यार आंसर टा तुमने कौन लिखो ना कलिंग युद्ध जोसी दुईट फलाफल लेख बोली कहुई तो यार आंसर टा तुमने लिख कलिंग युद्ध दुईट फलाफल है जोटा कि मुख्य फलाफल अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते यहाँ तो प्राय समस्ते जानना तापर नेक्स्ट फलाफल हूँ कलिंग को जय कला सम्राट अशोक युद्ध वर्जन को साम्राज्य सरकारी नीति रूप घोषणा करते तो मेन फलाफलटा हूँ अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते हैं से शपथ नहीं आज केुद्ध करेंगे ना बोले सेठारूला तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन टा रही अच्छे वेद कौन यह के प्रकार
ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିତ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିପାରେ। ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ରୁ ବେଦ ଆନିତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସୁତରା ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଗର। ତ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ନା ବେଦ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆନିତ ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ଆନିତ ଏବଂ ଏହି ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ବେଦ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଯଥା ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅର୍ଥବେଦ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କେଉଁ ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ବେଦ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସର୍ବପୁରାତନ ବେଦ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏହା କାହା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଥବା ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ବା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏହା ବସ୍ତୁବାଦ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନା ଏ ସମୟର ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ଏ ସମୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବତା ଏଇଟା ବସ୍ତୁବାଦ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟରେ କେତେ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକେ ରହିଥିଲେ ବା ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନର ମାଲିକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ରଚନା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ତାପରେ ଏହା ରଚନା ଭୂତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ତାପରେ ନୂତନତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ନା ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ଉପାଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ହେଲା। କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ଲେଖ କିମ୍ବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ ଲେଖ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସବୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ସବୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିନେଇଥିବେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ମେନ୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟରରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମେନ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି ଇତିହାସର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଏବେ ଆସିଲା। ଦେଖ ଇତିହାସ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସ ଏଇଟା ନଥିଲେ ଇତିହାସ ରଚନା ହିଁ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ତାପରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ତାପରେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନେଇଥିବ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଭୂଗର୍ଭର ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିଲେଖ୍ୟାଗାରୀ ଉପାଦାନ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି ହେଲା। ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦେଇଥିବ ତା'ର। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ଅଟେ ଏହା ମଣିଷକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ଐତିହାସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଭୟ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି ହରପ୍ପାର ତାମ୍ରଯୁଗ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଶୁଣ ଜଣା ମନେ ରହିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ହରପ୍ପାର ତାମ୍ରଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଘାଙ୍ଗରା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଅଛି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 4ଟି ଲେଖ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଦି ଅଧିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 4ଟି କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ ହେଲା କୋଦାଳ ଦା ଟାଙ୍ଗିଆ ଖଣତି ଏଇଟା ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ହେଲା।
आगकाल एमती सब व्यवहार करते आगकाल विज्ञान कारीगर एत अग्रगति हो नाला ना से हीपरी चारोटी अस्त्रशस्त्र जो तीर बर्छा छुरी हस्त कुठार यहाँ प्राय समस्त व्यवहार करते आगकाल तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोष्ठीगत जीवन आरंभ होगा सहित समय प्राथमिक पर्यायर केत श्रेणी लोक रही कौन कौन तो यार आंसर तुम लिख गोष्ठीगत जीवन आरंभ होगा सहित समय प्राथमिक पर्यायर दुई गोटी श्रेणी लोक रही जथा उत्पादन साधन मालिक और उत्पादन साधन स्वताधिकार वंचित होता गोष्ठी एटा आम पूर्व आलोचना करा पुणी ये क्वेश्चन रिपीटेड होपर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही होती है लोक कथा कहले कौन बुझ या इतिहास पुनर्गठन किपरी सहायक होता है यहाँ तुम्हें जानवा निहाती दरकार है पुरुषानुक्रमे पारंपरिक भाव में चली आसुवा प्रथार कहानी को लोककथा कह जाए जदि तुमको क्वेश्चन आते लोककथा कहले कौन बुझ या लिखा यह जड़े ऐतिहासिक तार अनुसंधान सत्यता जानवाप प्रोत्साहित करते सत्यता सत्यता के तार सत्कता के जानवार लगे सहायता कर सी लोककथा है तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन रही अच्छे छापा मुद्रा क्यों जुग में प्रचलित होता से कहार छापा देखा मिले यहाँ इंपोर्टेन्ट यहाँ तुमको सर्ट क्वेश्चन आसपारी है मौर्य युग में छापा मुद्रा प्रचलित होता से जीवजंतु पर्वत वृक्ष आदि छापा देखा मिली था राजा मान इत्यादि छापा देखा मिली था तो तुमको गोटे इंपोर्टेन्ट सर्ट क्वेश्चन एथिर आसे ना क्यों मुद्रा हो सब सर्वप्राचीन मुद्रा तो यार आंसर टा तुमने लिखो ना ये मौर्य युग में प्रचलित होता छापाजुक्त मुद्रा हूँ सर्वप्राचीन मुद्रा यहाँ तुमको सेमिस्टार एग्जामिनेशन आसीपे आसीपे नहीं आसी थाए है तापर तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पुणी ये क्वेश्चन रिपीटेड होती देख जो क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी पाणिनि और पतंजलि लिखी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ दुईट नाम लेख ए कौन कौन उल्लेख कर क्वेश्चन टाइम रिपीटेड कर आगुरी करें पुणी से रिपीटेड है तथापि देखी नौ देखी देखे कौन अच्छी है ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी में पाणिनि अष्टादी और ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी में पतंजलि महावास्य रचना करते ग्रंथ दुईरे से युगर राज्य शासन आलोकपात कर क्वेश्चन भी पुणी तमें आम आगु देखी है मालविका के निमित्त लेखक किए क्यों श्रृंग राजा से ही ग्रंथ में वर्णना कर तो यार आंसर टा तुम लिख मालविका ग्रीम लेखक कवि नाटकिया नाट्यकार होती कालिदास श्रृंग राजा पुष्यमित्र से ग्रंथ वर्णना कर तो भिडियोटी बहुत लंबा हो कि जेटार एठार मुझे भी सब डिस्कसन कली ना सब इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन अटे है जोटा कि तुमको सेमिस्टार एग्जामिनेशन आसीपे तो मे भी भिड तुमको निश्चित भल लगे जो भिडियो भल लगी तेज निहाती गोटे लाइक करदे और चैनल को जब नुआ हो आसी नुआ हो देखुं एपर्तंत सब्सक्राइब करना तेज आगक शैक्षिक भिड देखापी आमर यही यूट्यूब चैनल आरके किड ऑफिशियल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब कर सहित ये भिडियोटी निज सांगसाथी को निश्चित शेयर करदे और आपण मानक केिड दरकार आम कमेंट सेक्शन में निहाती कमेंट करके जनइबे जहाद्वारा कि तुमको से प्रकार भिड दे पारे तो आज ये जे हिंद जे भारत लव यू ऑल देखा आउ गोटे भिडियो बाय बाय टेक केयर।